The Union Government on Wednesday granted citizenship to 300 applicants under the Citizenship Amendment Act of 2019. I am currently joined by such a citizen whose family has been granted the citizenship after they applied. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर. सर आपका नाम और आप ये बताइए हमें हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से भारत आए. मेरा नाम दयाल दास जी है. मैं सिंध पाकिस्तान से सन 2013 में यहाँ आए थे. हम लोग जब से ही दिल्ली में रह रहे हैं. तो 2013 में आप यहाँ पर कैसे आए, वो मतलब सफ़र कैसा रहा? बस सफ़र तो हमारे लिए यहाँ आने के बाद हम सब भूल गए. सफ़र बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब भारत की आने की खुशी हमें महसूस हुई है, वीज़ा हमारा लगा तो हमारा दिल मतलब इतना खुशी हुआ कि हम भारत में ही जा रहे हैं. यहाँ आने के बाद बहुत सी थोड़ी तकलीफ़ें देखी, वहाँ से कम थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी पुकार सुनी, उनने दुख दर्द समझा और हमारे लिए सीए जो हिंदू पाकिस्तान से हो चाहे बांग्लादेश हो अफगानिस्तान से जो आए हुए हैं उनके लिए सीए कानून पास किया. तो उसके माध्यम से हमारे कुछ परिवारों को यहाँ मजनू टीला आदर्श नगर में एक मेरे बेटे को और मेरी बेटियाँ है उनका सिटीजनशिप हो गया है. हमारा अभी तो मतलब जस्ट कुछ ही दिन है तो ईश्वर ने चाहा वो भी हो जाएगा. तो एक तरफ से देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही हमारे लिए ये कार्य किया है. हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हम जितने भी परिवार आए उनको तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ ताकि क्योंकि हमारा जीवन बदला है. सर जब आप कहते हैं कि आपका जीवन बदला है, आप हमें ये बताइए कि आपने कब एग्जैक्टली अप्लाई किया ये सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए कब आपने अप्लाई किया और फिर कितना टाइम लगा इसमें, प्रोसीडियर्स क्या थे, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़े आपको, अगर आप विस्तार से हमें पूरे प्रोसीडियर से हमें ले जा सकें. विस्तार से ये है तो भारत सरकार ने तो जो सीए बिल पास किया है तो उसमें चाहे साफ साफ अक्षरों में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहली बात तो ये सीए बिल में बिल्कुल आसान है, चाहे भारत में आने के लिए कुछ भी कोई भी पेपर हो कि मैं भारत पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से मैं यहाँ भारत में आया हूँ वो दिखा के भी सिटीजनशिप होती है. लेकिन हमारे पास पूरे दस्तावेज थे वहाँ आने के, यहाँ रहने के, यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा के, पासपोर्ट, हर चीज़ हम X2YZ जितने भी हैं सब हमारे पास थे. जितने भी डॉक्यूमेंट थे हम सब ने हमने अपलोड करवाए हैं. तो ये प्रोसीजर ज़्यादा तो नहीं है, 2.5-3 महीने के अंदर मुझे लगता है ये तो परिवार का मिला है. अभी आने वाले समय में ये 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी अपने भाई बंधु परिवार आए हुए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी. तो आप कह रहे हो कि आपने 3-4 महीने पहले ही अप्लाई किया था? हाँ, 3 महीने अप्लाई पहले किया था जो बच्चों ने किया था. तो ये प्रोसीजर मतलब पूरा हो गया तो इस वजह से उनको भारतीय नागरिकता मिल गई. आपके लिए और आपके परिवार के लिए भारत की नागरिकता कितने क्या मायने रखती है? हम कह नहीं सकते इतनी मायने रखते हैं क्योंकि हमारा जीवन बदला, हमारे बच्चों का भविष्य बदला है. आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ कर पाएंगे भारत में. पहले तो हम मायूस थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पाकिस्तान अपना परिवार कुछ परिवार वहाँ छोड़ा है. यहाँ आने के बाद भी हमने सोचा कि हम कहाँ रहेंगे, लेकिन ईश्वर ने यह थोड़ा बहुत रहने के लिए हमें स्थान टेम्पररी मिला है. तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले समय में भारत माता की सेवा कर सकेंगे. आपके जो बच्चों को, बेटा और बेटी को मिली है नागरिकता, वो अभी क्या कर रहे हैं, कौन से क्या उम्र है उनकी? बिटिया का तो शादी होगी, वो तो अभी हाउसवाइफ है, और बेटा है जिसकी उम्र 24-25 साल होगी लगभग. तो अभी फ़िलहाल उनकी मोबाइल कवर वगैरह का काम कर रहा है, रेडी वगैरह बेचता है. तो अभी सिटीजनशिप होगी तो अभी अच्छी सी कहीं नौकरी वगैरह के लिए हम लोग बातचीत करेंगे तो जैसा भी होगा. जब आपका जीवन पाकिस्तान से और भारत में, आपको क्या लगता है कि किस हिसाब में बदलाव है आपके जीवन में, या फिर यहाँ आके भारत आके आपका जीवन किस प्रकार से बदला है? वहाँ तो जीवन एक नरक के समान था हमारा, हर चीज़ हर पल दुख सहना पड़ता था और उनका दुख देख के हमें दुख होता था. हमने ये सोचा कि यार यहाँ वहाँ रहना ठीक नहीं है, हम भारत में ही वहाँ हमारा सुरक्षित है. जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमें सोच मिली है
कि पहली बात तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई फ़र्क नहीं है, सब भाई की तरह रहते हैं। और दूसरी बात ये रही कि हर किसी के मुख में राम का नाम है, आदर से बिठाते हैं, चाहे अफसर हो या पुलिस हो, कोई अधिकारी हो, ऐसा नहीं है कि ये कम जाती है, वहाँ नीच समझते हैं, हिंदू मतलब नीच समझ से सुनते हैं, वो अपने गिलास तक पानी नहीं पिलाते हैं, इतना वो अछूता वहाँ पे है। यहाँ देखा तो यहाँ वहाँ से बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं, कहीं जाते मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, ये हम भुला नहीं सकेंगे भारत माता को। जितना भी हमसे हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य ज़रूर बनेगा, ये हमारी पूरी उम्मीद है। हमारा जीवन इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हमें मिला है, तो सब देशवासियों को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री। शुक्रिया मैम। आप हमें अपना नाम बताइएगा और आप हमें ये बताइएगा कि आप यहाँ भारत आने से पहले कहाँ रहती थी। मेरा नाम मीरा है, मैं भारत आने से पहले पाकिस्तान सिंध हैदराबाद रहती थी। आप फिर यहाँ भारत का, वहाँ पर आप पली बड़ी थी, आपने आप हमें बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपका पूरा जीवन कहाँ गुजरा, आपकी शादी कहाँ हुई और फिर भारत आने का सफ़र कैसे हुआ। मेरा जीवन पाकिस्तान सिंध हैदराबाद, वहाँ रहते थे, वहाँ पड़ी बली हुई, वहाँ पे मेरी शादी हुई, दो बच्चे तीन हो गए थे मेरे को, फिर हम यहाँ हिंदुस्तान के लिए आए, तो वहाँ के मौला के हालात, यहाँ बेनज़ीर भुट्टो थी तो हमारी बहुत हेल्प होती थी वहाँ पे। जब से वो हमारी बेनज़ीर भुट्टो सिंध में रहते थे तो वो चली गई, वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो भी, वो चली गई, जब से हमारे हालात वहाँ थोड़े बिगड़ने लगे तो हमने सोचा वो ही नहीं रही तो हमें भी रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं, फिर हम भी वहाँ से निकलना शुरू हो गए, फिर हमें धीरे धीरे यहाँ आना हो, क्यों तो वहाँ हेल्प नहीं मिलती थी हमें किस प्रकार की, इसीलिए हम निकलते गए। किस साल आप भारत वापस आए, आप और आपका परिवार। हमें 10-12 साल हो गए हम निकले वहाँ से, यहाँ आके हमने यहाँ पे दिक्कतें झेली, यहाँ पे हमारे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, हमारा अपना घर नहीं था, हम वहाँ डेरे के अंदर गुरुद्वारा के साथ में डेरा है बाबा का, वहाँ रहते थे, वहाँ आए थे एक दो दिन वहाँ रहे, फिर हम उसी के बाद नहर सिंह दादू जी वहाँ रहते बिजवासन में, उनके मकान में हमारे को खाली करवा के वहाँ भी रहने के लिए हमें दिया, फिर हमने उनके पर 2 साल तक तो रहे, फिर हम का बोझ बन जाएंगे, फिर हमने निकल गए वहाँ से निकल के हम कंजावला चले गए, वहाँ पे किसी ने हमारी हेल्प किया था, वहाँ पे हमारे को झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठवा दिए थे, फिर हमें बोला ये सारे लोग गवर्नमेंट ने कहा इकट्ठे रहो तो सही है, फिर हमें यहाँ के बारे में पता चला भाई मजनू टीला में काफ़ी सारे पेड़ हैं पौधे हैं जगह है, फिर हम यहाँ रहने के लिए यहाँ बसने के लिए कर दिया। यहाँ पे हमने पहले आए तो हम पेड़ों के नीचे रहते थे, फिर हमने धीरे धीरे सरकार की तरफ से हमें टेंट लगा दिए, टेंट के अंदर रहते रहते हमने थोड़ी झुग्गी बना ली, अभी हमारे ये झुग्गियों के अंदर अब रहते हैं। अभी परमात्मा का शुक्र है मेरे दो बच्चों को नागरिकता मिल गई, यही प्रार्थना है, एक बिटिया नागरिकता पहले हमें मिली, अभी हमें नागरिकता मिली। ये आपकी क्या लगती है। ये मेरे बेटे की, बड़े वाले बेटे की बिटिया है, इसका नाम हमने नागरिकता रखा था, क्यों तो नागरिकता पहले चला था भी नागरिकता मिलेगी, तो हमने इनका नाम जब नामकरण हुआ था उसी दिन नागरिकता पुरस्कार चला था। तो आपको जिस दिन पता चला कि आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है उस समय आपने इनका नाम भी नागरिकता रख दिया। अच्छा बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। केजी। कहाँ, कौन से स्कूल में। मजनू का टीला। हाँ और उम्र क्या है आपकी, केजी में पढ़ते हो। हाँ पाँच पाँच। और इतनी 5 साल केजी क्लास में पढ़ते हो, इतनी सी उम्र में क्या सोचा है कि करना क्या है, कुछ सोचा है ऐसा कुछ क्या बनना है। मीरा जी आप हमें ये बताइए, तो फिर आपको पता कैसे चला, किसने आपकी मदद की कि ऐसे अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, और वो पूरा प्रोसीडियर कैसा रहा, और कब आपने एग्जैक्टली अप्लाई किया, और कब आपको मिल गई, मिली तो खैर कल ही है, पर वो पूरा सफ़र हमें बताइए कि कैसा था। मैं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संस्थाओं का नाम तो नहीं आता, जो हमारी हिंदू महासभा है और बहुत सारी संस्थाएँ हैं, उन्होंने हमारी हेल्प, यहाँ से यहाँ रहने वाले भाई बंधु ने
हमारी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने कहा भी ये कागज़ लगाओगे, ये चीज़ें लगानी पड़ेगी आपको। हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने, सब लोगों ने, यहाँ के लोगों ने हमें मदद करके आगे हमारे कागज़ भिजवा दिए। उसी से हमें मेरे बच्चों की नागरिकता मिली है, दो बच्चों की। कि दो बच्चों की अभी हुई है, बाकी सब की अभी भी पेंडिंग है क्या? हाँ अभी है, हमारी भी आ जाएगी, दूसरे बच्चों का भी आगे हैं, भी दो दो तीन दिन में सबकी आ जाएगी। इतना हम उम्मीद है हमारी सरकार से, हम सरकार से यही बेनती करते हैं कि हमें अपना लिया, भारत माता में अपना लिया, हमें बहुत खुशी है। हमें अभी मर जाएंगे ना फिर भी एक दुख नहीं है हमारे को, क्यों तो हमारा जो ख्वाहिश था हमें नागरिकता का, वो हमें मिल गया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हम खुश हैं इसी नागरिकता से। मीरा जी, ये नागरिकता से आप खुश काफ़ी हो, और ये आपके परिवार के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है आपके आपके हिसाब से? और ये नागरिकता मिलने के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब आप आगे क्या सोच रखते हैं? हम ये रखते हैं तो हम कहीं भी कमाने जाएंगे, जहाँ बाहर जाएंगे, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे पढ़े गए हैं फिर भी उसको कामयाबी बगैर नागरिकता वालों को नहीं मिलते। अभी हाँ, यहाँ नेट ड्यूटी भी हम करना चाहते हैं, हमारे आदमी जहाँ सब हैं कहते हैं और नहीं तो रात दिन कमा के भी हम अपना भविष्य बनाएंगे। हमने अपना सब कुछ छूटा है, हमारा सब कुछ छोड़ दिया, उसी को वापस कैसे लाना? हम रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन यहाँ ड्यूटी मिलती है तो हमें सारा आधार कार्ड हर चीज़ की पूर्व सबूत मांगते हैं। अभी सबूत हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? अरे पाकिस्तानी के नाम से ही लोग डरते हैं तो वो रखेंगे कैसे? अभी तो हिंदुस्तानी हो गए ना, इतना हमें डर नहीं होगा भी कोई पाकिस्तानी के नाम से हमें कोई ड्यूटी या नौकरी या कोई भी चीज़ में हमें विश्वास करेंगे हमारे ऊपर लोग? पहले कोई विश्वास नहीं करता था, यही हमारी पहचान है नागरिकता की। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है और आप कब भारत आई? मेरा नाम यशोदा है, मैं 2013 में आई थी पाकिस्तान से, हैदराबाद से। पाकिस्तान में आप कहाँ रहती थी, क्या आप वहाँ पर पली बड़ी हैं? आपका बर्थ कहाँ पर हुआ था? सिंध हैदराबाद, पाकिस्तान से हैदराबाद में हुआ था। तो वहाँ पर जब आप इतने साल रही अपने जीवन के, तो फिर भारत आना आपको कैसा लगा, क्या मायने रखता है आपका भारत आना? भारत आना, मेरे मम्मी पापा आए थे, मम्मी पापा के साथ आए थे, हम छोटे थे। और फिर उसके बाद तो आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी यहाँ पे हुई। तो उसके बाद आपको ये कहाँ से पता चला कि ऐसे नागरिकता की सूचना आपको कहाँ से मिली, और फिर आपने अप्लाई कैसे किया, सारा प्रोसीडियर कैसे हुआ, और फिर फाइनली आपको जब मिला तो ये नागरिकता का महत्व क्या है आपके लिए? जैसे हम आए थे तभी से हम जैसे वीज़ा बढ़ाते रहे और 4 साल हो गया हमें नागरिकता बोला दी जाएगी, तो मेरे भाई के लड़के का नागरिकता नाम रखा गया था, और वह अभी वो 4 साल की है। अभी हमारे ते जैसे 1 महीना हो गया तो मैंने जमा करवाया था, जमा कराते 13 तारीख को हमारा रिजल्ट आ गया, हम साइन वगैरह देने गए, फिर 13 तारीख को वहाँ पे गए और 14 तारीख को हमारा जैसे बोला कहाँ रहते हो, यहाँ पे इंक्वायरी आई। अभी कल 15 तारीख को फिर हमें 2:30 बजे बुलाया गया था, 2:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, हमें पता नहीं था कि हमें नागरिकता मिलेगी, हमने बोला इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वहाँ जाके, और हमें ये जो मिला बोला आपकी नागरिकता होगी। आप हमें अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे? हम तो भविष्य के लिए कितना मायने रखता है? हमें तो नागरिकता मिली, हम बहुत खुश हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमने कल शाम को कुछ मिठाई लाई थी, भगवान को चढ़ाई, कुछ बच्चों को बांटी, और घर में भी बहुत खुशी मनाई, सबको बधाई दी, और भारत माता को भी बहुत बधाई दी, और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें नागरिकता मिली। हम सुधरे नहीं तो हमारे बच्चे कुछ सुधर जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, जैसे यहाँ के बच्चे जाते हैं नौकरी वगैरह मिलती है, अभी हमें भी नौकरी कुछ मिलेगी, कुछ बच्चों को पढ़ लिख जाएंगे उनको नौकरी मिल जाएगी, कुछ देश का भी हम कुछ कर सकेंगे। आप कितनी उम्र की थी जब आपका परिवार पाकिस्तान से भारत आया? वैसे 14-13 की थी, वैसे
तो पाकिस्तान में जो आपका जीवन व्यतीत हुआ उस पर से आपको आपकी क्या मेमोरी है, आपको क्या ज्ञात होता है और उसके तुलना में आपको भारत आकर के क्या बदलाव लग रहा है? भारत आके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ की जैसे मंदिर है ये है, हमें बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई है। वहाँ पे जैसे पढ़ने लिखने नहीं जाते थे, खेती बाड़ी का हम काम बहुत करते थे, जैसे हमारे चाचा वगैरह पापा वगैरह खेती बाड़ी का काम करते, हम शहर नहीं रहते थे वहाँ। तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है 2 लड़का। और उसमें से कितने स्कूल में भर्ती है यहाँ पर? 3, ये छोटा ये नहीं जाता, 3 जाते हैं, 1 केजी में, दूसरा चौथी में, 1 दूसरी में। शुक्रिया यशोदा जी। मेरा नाम झूला राम है और मैं पाकिस्तान से आया हुआ था, पाकिस्तान सिंध मटियारी ज़िले में रहता था और मैं 2013 5 मार्च को हिंदुस्तान आया था। और बस यही है, और परे भरे क्या, कुछ आधा समय वहाँ बिताया, आधा समय यहाँ बिता दिया। आपकी आपकी परवरिश पाकिस्तान में कैसी थी और तब यहाँ भारत आने का भाव कब आया मन में, दिल में? मैम ये भाव तो हिंदुस्तान में आने का मेरा तो नहीं था, मेरे मम्मी पापा, क्योंकि उसमें इतनी मेरी ऐज नहीं थी कि मुझे, मैं बुरा भला नहीं पहचान पाता था मैं जी। हाँ इतना ज़रूर पता होता था कि बेटा बाहर मत जाओ, और डर का माहौल होता था कि वहाँ वहाँ मत जा, घर के अंदर रहे या गली मोहल्ले में ही रहो, कहीं पार्क में मत जाओ। कोई दुर्घटना घट जाती थी आसपास इलाके में कोई सी, तो हमारे मोहल्ले में खौफ हो जाता था कि भाई ये दिक्कत हमारे ऊपर भी ना हो जाए। तो इसलिए ये ड्रीम जो हमारे पापा ने ये कहा था भाई आने वाले समय में हिंदुस्तान जाना है, अब भी हिंदुस्तान जाना है, इससे अच्छा है अभी भी वीज़ा अप्लाई कर लो। तो हमने 2009 में जाना 8 में वीज़ा अप्लाई करी थी, जब जाके हमारी वीज़ा लगी थी 2013 में, 3-4 साल वीज़ा अप्लाई में लग गया था हमें, क्यों पूरी फैमिली थी हमारा, 18 आदमी का ग्रुप था, मतलब हमारे परिवार पूरा ही। तो उनकी वीज़ा अप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है जी, कई सवाल जवाब होते हैं, वीज़ा आसानी से नहीं मिलती, बड़ा टाइम लगता है। तो 2013 में 5 मार्च को हमें वीज़ा मिल गई थी, हमने हिंदुस्तान में आ गए थे। उसके बाद काफ़ी लोग आने लग गए, फिर संगठन जुड़ता रहा, लास्ट में आके मजनू टीले में अपना ठिकाना बनाया जी। मजनू टीले पर आने के बाद यहाँ पर कोई जंगल ही जंगल था, कोई व्यवस्था नहीं थी, जब लोग हमारे से जुड़ते रहे, विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हमारे से, आरएसएस संगठन हमसे जुड़ा, काफ़ी लोग भारत के ऐसे कुछ लोग ऐसे थे वो भी हमसे जुड़े, हमारी जिसकी जैसी हेल्प हो पाते वो करते थे। और क्या नाम है, जैसे लाइट की समस्या होती है वो लाइट की भी अरेंज करी, और शौचालय नहीं थे, पानी की पानी भी नहीं होता, सीवर लाइन भी नहीं, काफ़ी परेशान थे। उसके बाद आस्था से व्यवस्था बनती रही, गवर्नमेंट भी हमारे पास जुड़ती रही, कुछ मीडिया भी हमें सपोर्ट करती थी, लोग मीडिया हमारे पास आती थी, हमारी आवाज़ मीडिया पहुँचाती थी सरकार तक। सरकार ने फिर जब 2019 या 18 में जो शायद जी, तो उसी पर आते हुए झूले राम जी, जब आपको कहाँ से पता चला कि सरकार ऐसे सिटीजनशिप दे रहा है और उसके लिए अप्लाई करना, उसका पूरा प्रोसीडियर कैसा रहा, कब किया आपने, और फिर फाइनली आपको जो ये कल ग्रांट किया गया आपका सिटीजनशिप, तो अगर आप हमें वो सफ़र से लेके जाएं। अच्छा मैम ये तो चार पाँच साल पहले गृह मंत्री ने विधान उसमें संसद भवन में लोकसभा में बिल पास कर दिया सी, ये जब ही से हमारा मतलब मन बन गया भाई अब हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी आज, नहीं तो फिर कोविड आ गया था, काफ़ी दिक्कतें भी आई, काफ़ी मतलब विरोध भी होने लग गए थे, काफ़ी टाइम लगा। फिर लास्ट में कुछ टाइम पहले क्या नाम है CA लागू हो गया था, मतलब भाई गवर्नमेंट ने श्री अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री हमारे उन्हें ऐलान कर दिया कि जिनको भी नागरिकता अप्लाई करनी ऑनलाइन एक ऐप आया है CA, कुछ ऐप आया हुआ है उस ऐप पे अपना CA पोर्टल आई पे, उसमें ऐप में डाउनलोड नहीं करो, अपने जितने प्रूफ सारे डाउनलोड नहीं करो, अपना नागरिकता का मतलब बिल वो करवाओ। तो मैम हमारी कुछ टाइम 10-15 दिन पहले ही भरा था और क्या नाम है, उसके बाद फिर हमारा आज भी नागरिकता मिल गई है, और हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे रह भी गए हैं, उनकी भी प्रोसेस में चल रहा है, उनका भी आजकल में काम हो जाएगा। आपके लिए नागरिकता क्या मायने रखती है, आप आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना क्या महत्व रखता है? मैं महत्व ये रखता है कि जैसे मान चलो मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ या कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि मान चलो कोई किसी चीज़ की मैं एजेंसी लेना चाह रहा हूँ, कोई शॉप लेना चाह रहा हूँ मैं, या मान के चलो कहने का मतलब कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ, मेरे को मतलब अपने प्रूफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे जैसे बच्चे आने वाले जो बच्चे होंगे तो उनको क्या नाम है अच्छा भविष्य बनेगा, वो तो
उनको क्या नाम है अच्छी जॉब में लग पाएंगे, कोई अफसर बनेंगे, कोई कोई पुलिस में जाएगा, कोई कोई डॉक्टर बनेगा, मतलब उनकी पूरे राइट मिल जाएंगे और उसको अपना हक मिल जाएगा हिंदुस्तान का, जैसे आसानी से खुल के जी पाएंगे। जैसे पहले दिक्कत होती थी, जैसे हम 10 साल पहले वीज़ा बढ़ाओ, मतलब आधी मतलब 11 साल में 5 साल में वीज़ा बढ़ाने में लग गई जी। 2 साल की वीज़ा बढ़ रही है, 1.5 साल की वीज़ा बढ़ रही है, आज 2 दिन छुट्टी पे रहो, मत जाओ वहाँ पे, आपकी इंक्वायरी करने आ रहे हैं। काम करने में परेशानी होती थी मैम, अब हमें ये है कि ये सब झंझट कागज़ पत्तों से हमें झंझट खत्म हो गया, अब हम बिल्कुल फ्री होंगे। अब कुछ लोग हमें ये भी कहते थे कि आज ये पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे से पाकिस्तानी का टैट हमसे ख़त्म हो गया जी, आज लोग हमें हिंदुस्तानी कहेंगे। हिंदुस्तानी का जो आइडेंटिटी है एक हिंदुस्तानी होने का, उस पर आपको उसके विचार में आपको क्या फीलिंग है, मतलब आपको अब क्या फ़र्क लगता है कि आपके लाइफ में आया है कि अब जो ये आइडेंटिटी आपकी बदली है? मैम मुझे इस चीज़ का फ़र्क लगता है कि मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक बन जाऊँ, बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। मान चलो भविष्य में कहीं बाहर भी जाता हूँ तब भी मेरे पासपोर्ट की मजबूती से ताकत होगी, मुझे कोई वहाँ कोई रोकने वाला नहीं होगा, इतना हमारे पासपोर्ट की ताकत होती है जी। इंडियन पासपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू रखता है दुनिया में। दीज नैरो गलीज इन अ रिफ्यूजी कैंप इन मजनू का टीला हाउस मेनी मेमोरीज एंड सेंटिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज हु केम टू इंडिया इन 2013 इन सर्च ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी। A few people living here have been granted Indian citizenship by the Union government, while for others it's under due process. What remains a question is how will the citizenship create an impactful change in the lives of these people? With camera person Shiv Kumar, this is Tanushka Datta for NDTV.